नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल टेक गीक पर आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे सोनी वेगास पे एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी अच्छी खासी। अगर आप नए हैं तो काफ़ी सही एडिटिंग आप सोनी वेगास से कर सकते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले मेरी वीडियो के नीचे ये बटन दिया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड यहाँ पर दिख रहा है घंटा, इसको भी दबा दीजिए जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं आपको एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप सबसे पहले खोलते हैं अपने सोनी वेगास को तो आपको ऐसा दिखता होगा। तो समझ लेते हैं कैसे हमें फर्स्ट टाइम वीडियो एडिटिंग करनी है। तो पहले आप फाइल में जाइए, न्यू, एंड आपको इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको अगर कुछ नहीं बताया तो सिंपल ओके कीजिए, देन ये होगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे अपनी वीडियो कैसे चल रहा है आपका, जो भी आपका वीडियो है, और इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक वीडियो डाल के दिखाता हूँ सोनी वेगास में एडिट करने के लिए। फाइल में जाना है, इम्पोर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है मीडिया, मीडिया पर क्लिक कीजिए, और जहाँ पर आपका जो वीडियो स्टोर है वहाँ से उठाइए। एंड ये मेरा वीडियो ओपन करता हूँ, ये वीडियो आ चुका है। अब मैं इसको ड्रैग करके सीधा यहाँ पे ले आऊँगा, और यहाँ पर आपको नो क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो आ चुका है यहाँ पे। जब मैं प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये प्ले हो रहा है। तो ये इसका प्रीव्यू विंडो है जिसमें आप अपना देख सकते हैं। इसको बड़ा भी कर सकते हैं आप ऐसे ड्रैग करके, यहाँ पर भी इसको आप और बड़ा कर सकते हैं। इसको ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी सिंपल चीज़ है, काम करना काफ़ी इजी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं वीडियो की, कैसे देखना चाहते हैं, ये प्रीव्यू किस टाइप का देखना चाहते हैं, गोल्ड बेस्ट आप चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, आउट ऑफ फुल हाफ क्वार्टर, बहुत ईजी है। देख लिया आपने दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाल दिया है और उसको मुझे एडिट करना है। तो पहले मैं अपनी वीडियो में दिखाना जा रहा हूँ कि आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं ऑडियो और वीडियो को, दोनों को आप कैसे स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने के लिए आपको ऑडियो पार्ट पर क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पीला पीला घेरा बन चुका है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस यू करना है, आप देखेंगे कि ये अलग हो चुका है वीडियो से, ऑडियो अलग वीडियो अलग, तो काफ़ी इजी है। तो आप सोच रहे होंगे अब हम इसे ग्रुप कैसे करेंगे, आपको आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, और आप नया कोई ऑडियो जो आपका है किसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किया हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो इसको ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दोनों पर क्लिक करना है, तो कंट्रोल एंड सेलेक्ट कर दीजिए जिससे कि दोनों पर घेरा हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पर घेरा है पीला पीला, एंड आपको जी दबा देना है और ये ग्रुप हो जाएगा आपका। देखिए ये देखिए ग्रुप हो गया दोबारा से, फिर से ये ग्रुप हो चुका है। तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वीडियो में कि हम कैसे कट करते हैं आप सोनी वेगास में वीडियो का। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो OBS सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड किया है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मैं OBS यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पर मुझको क्या करना है, S क्लिक करना है, S, ये देख सकते हैं ये कट हो चुका है। यहाँ से मैं डिलीट मार सकता हूँ दोनों ट्रैक्स को, एंड ये देखिए कट हो चुका है। और आप एग्जैक्ट कट लगाने के लिए आप यहाँ से प्लस करके इसको बड़ा भी कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं, और आप इसको प्ले कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये चल रहा है, और आप एंटर दबा के इसे रोक सकते हैं, एंड एस का बटन दबा के एस आप यहाँ पर फिर से कट कर सकते हैं। जहाँ पर आप फिर अगेन कट लगाना चाहते हैं तो फिर प्ले बटन दबाइए, एंड फिर से एंटर दबाइए, ये रुक चुका है, और फिर एस दबा सकते हैं आप। और ये देखिए बीच का ट्रैक आप हटा सकते हैं ये डिलीट बटन दबा के, और ये हो गया। देख सकते हैं काफ़ी इजी है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पीछे भी इस चीज़ को कर सकते हैं, बैक साइड में मेरा मान लो
यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ, तो मैं एस का बटन दबाऊंगा और ये पीछे वाला पार्ट ये गायब। तो ये देखिए मेरा कंप्लीट एक फाइल बन चुकी है, एक कंप्लीट फाइल मेरी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमें ये क्या करना है, कोई म्यूजिक डालना है अपनी फाइल में, इस वीडियो में। जब कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं तो अच्छा लगता है वीडियो, तो बैकग्राउंड म्यूजिक डालने के लिए आपको फिर से क्या करना है, फाइल में जाना है, इंपोर्ट मीडिया, और आपने जहाँ आपने स्टोर कर रखा है, मैंने कर रखा है डाउनलोड्स में, तो ये हीलियो नाम से एक फाइल है, ये मैंने ओपन कर दी। ये देख सकते हैं ये आ चुका है, इसको फिर से ड्रैग कीजिए और आप ये देखिए ये आ चुका है। और आपका ये सॉन्ग कुछ ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। तो कट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सी एफ पकड़ के इसको, यहाँ पे देखिए देखते रहिए, एस बटन दबाइए और ये डिलीट, ये देखिए चला गया। बहुत सिंपल है काम करना। और आप जब इसको प्ले करेंगे तो आपकी आवाज़ एंड सॉन्ग की आवाज़ दोनों मिक्स हो जाएंगी, तो आप इसको कम भी कर सकते हैं गाने की आवाज़ को। तो इसके लिए आप इसको मोर एक्यूरेसी के लिए इसको बड़ा कर सकते हैं, नीचे लाइए इसे, आप इसको और बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ से ऊपर नीचे करके इसकी आवाज़ को कम कर सकते हैं, ऐसे करके आप कम कर सकते हैं, जैसे कि आपको कम आवाज़ सुनाई दे सॉन्ग की कम, और आपकी पूरी फुल आवाज़ सुनाई दे, यहाँ से आप कम कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कम कर सकते हैं, यहाँ पर ये कम कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से आप कम कर सकते हैं आवाज़ को। तो आप आवाज़ डालने के बाद, एक अच्छा सा सॉन्ग डालने के बाद काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर कोई लोगो डालना है अपनी वीडियो में तो वो भी इससे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो फिर से आपको इंपोर्ट में जाना है, मीडिया में जाना है, और जहाँ पर आपने अपना लोगो स्टोर कर रखा है वहाँ से आप उठा सकते हैं। मेरा ये लोगो है और मैं ये ओपन कर देता हूँ, ये मेरा लोगो आ चुका है। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंसर्ट वीडियो ट्रैक, तो यहाँ पे एक वीडियो ट्रैक आ चुका है, तो इसको मैं यहाँ से पकड़ूँगा और ये खींच दूँगा, इसको पूरे वीडियो तक कर दूँगा, ये देखिए, ये देखिए मेरी पूरी वीडियो पर आ चुका है। पर आप देख रहे हैं मेरी पूरी बड़ी वीडियो पर आ रहा है, तो मैं इसको कैसे सही करूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है, आपको दिख रहा होगा ये ट्रैक मोशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको इसको पकड़ के से छोटा कर देना है, ये देखिए ये छोटा हो रहा है, अब जितना मर्जी चाहे छोटा कर सकते हैं, और आप इसको पकड़ के जहाँ भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। और ये देखिए आपका ये लग चुका है लोगो, आप इसकी ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं, ये डल डल, ये देखिए कितनी ओपेसिटी है, ये सही है ओपेसिटी का। एंड आप लोगो डालने के बाद आप कुछ टेक्स्ट भी डालना चाहेंगे वीडियो में तो वो भी आप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डालने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मीडिया जनरेटर, मीडिया जनरेटर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टाइल्स एंड टेक्स्ट का, आप अगर कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्स्ट दिख जाएंगे। देखिए सैम्पल टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट है, जो आप लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं, एक्शन फ्लिप जैसे दिख रहा है वैसा ही है सिंपल, कई सारे हैं यहाँ पर। तो मेरे को ये वाला अच्छा लगता है, ड्रॉपिंग वर्ड्स, तो इसको मैं अपने वीडियो में कैसे लगाऊंगा, तो उसके लिए आपको फिर से आपको एक वीडियो ट्रैक इंसर्ट करना पड़ेगा, तो राइट क्लिक दबाइए एंड इंसर्ट वीडियो ट्रैक, एंड मुझको ये अच्छा लगता है तो मैं इसको लूँगा और इसको जहाँ पर मुझे डालना है वहाँ पर मैं डाल सकता हूँ, ये मैंने डाल दिया, ये देखो आ चुका है। अब
कैसे इसको करना है मेरे को, तो देखने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने, और यहाँ पर मैं डालता हूँ सब्सक्राइब। और यहाँ से आप अपना चेंज कर सकते हैं, कोई भी चूज करना चाहें। आप यहाँ से साइज भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं इसे। चलो बोल्ड कर देता हूँ मैं, ये हो गया बोल्ड। एंड कलर चूज कर सकते हैं यहाँ से आप, मैं रेड चूज कर देता हूँ। ये देखिए बड़ा ही सिंपल है, आप देख सकते हैं पीछे चेंज हो रहा होगा, ये देखिए। और आप जहाँ भी आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, कहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं सब्सक्राइब को, यहाँ यहाँ आप दिखा सकते हैं सब्सक्राइब। अस नहीं दिख रहा, अस नहीं दिख रहा ना, चलिए दिखाते हैं, प्ले करते हैं, प्ले करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप भी डाल सकते हैं मेरी तरह, तो काफ़ी सही है। आप कैसे भी डाल सकते हैं, लोगो डाल दिया आपने, काफ़ी अच्छा है। जब आप वीडियो, एक काम अगर और कर सकते हैं, जब आपका वीडियो ख़त्म हो रहा हो तो आप अपनी वीडियो में इसको पकड़ के खींच सकते हैं, जिससे कि एक इफेक्ट आएगा। ये दिखाता हूँ आपको प्ले करने के बाद, ये देखिए ये इस तरीके से बंद होगा आपके वीडियो। तो आपका वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप इस इफेक्ट को भी डाल सकते हैं अपनी वीडियो में। तो जब हम पता है कि हमारी सारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली फाइल में जाना है और रेंडर एच पे क्लिक करना है। और जहाँ आप फोल्डर चूज करना चाहते हैं वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, मैंने पहले से ही चूज किया हुआ फोल्डर, और मैं इसको रखता हूँ ट्यूटोरियल। और यहाँ पर मेरा ये सेव हो जाएगा ट्यूटोरियल के नाम से। आप कोई भी चूज कर सकते हैं किस टाइप की सेटिंग चाहते हैं, तो मैं 720p करता हूँ, तो आप मैं 720p कर लेता हूँ। और ध्यान रहे जो आप रेंडर करें तो ये अनचेक रहे, ये चेक है, इसको अनचेक करना है और आपको रेंडर कर देना है। देख सकते हैं ये रेंडरिंग वीडियो की स्टार्ट हो चुकी है फ्रेम बाई फ्रेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30, 35 एंड ये स्टार्ट हो चुकी है, 2% हो चुकी है। तो काफ़ी इजी है काम करना है इसमें, मैंने यही किया इसमें काम। तो मान लो कभी हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत आने की वजह से आपका सिस्टम शटडाउन हो जाए तो कैंसिल हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक सेव कर लेता है ये प्रोजेक्ट को, जिससे कि आप फिर से वहीं से एडिटिंग कर सकते हैं जहाँ पर आपने छोड़ा था। तो काफ़ी इजी है, और अगर आप काम करके थक चुके हैं तो ये भी एक अच्छा चीज़ है। तो फाइल में जाइए एंड सेव पे क्लिक कीजिए, एंड जहाँ पर आप स्टोर करना चाहते हैं, चलो डेस्कटॉप पे स्टोर करते हैं और रख देते हैं इसका नाम ट्यूटोरियल सेव। तो देख लेते हैं हम, ये हमारे डेस्कटॉप पर स्टोर हो चुका होगा ट्यूटोरियल के नाम से ये प्रोजेक्ट। आप इसको फिर से ओपन कर सकते हैं, फिर से खोल सकते हैं, तो काफ़ी इजी है, काफ़ी सही काम करता है ये सोनी वेगास। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी अपने दोस्तों को दिखाएं कि आप कैसे सोनी वेगास पर एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, एक ही वीडियो में आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।